फतेहपुर जिले में चौथे चरण के लॉकडाउन पश्चात 1 जून से अनलॉकडाउन का प्रथम चरण कुछ शर्तों और नियमों के साथ। आप लोगों को बता दें कि जैसे अनलॉकडाउन की खबर जनता के कानों में पड़ी कि सारे नियम कैदे कानून भूलकर रोडों में निकल पड़े। बाजारों को देखने से यह नहीं लग रहा कि यहां लॉकडाउन रहा होगा। दुकानों में भीड़ और सप्ताह में दुकानें खुलने और बंद रखने को 3-3 दिन दिए गए हैं। जो खागा नगर ईओ लालचंद मौर्य, पुलिस क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्र, खागा कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह की मौजूदगी में दुकानें बंद कराकर हिदायत दी कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो सीधा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आए सुने क्या कह रहे हैं पुलिस क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्र। एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन अजय मौर्य की कवरेज, फतेहपुर। जिसमें 3 दिन एक श्रेणी प्रथम श्रेणी, 3 दिन द्वितीय श्रेणी सारे समय के अनुसार खुलेंगी। खागा में बृहस्पतिवार की बंदी रखी गई। खागा तहसील में आज कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी जिसमें इन लोगों ने दुकान खोली थी, जिन पर इन लोगों को नोटिस जारी की गई है और फिलहाल पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।